ये फिल्म है हम ब्रह्मास्मि, भारतीय फिल्म इतिहास की पहली मेन स्ट्रीम संस्कृत फिल्म है जो कंप्लीट हो चुकी है। उसका पोस्टर और गाना लॉन्च करने वाले हम लोग। संस्कृत को सरलता से दुनिया के कोने कोने पहुंचाने के लिए बनाई फिल्म। संस्कृत जो पिछले हजारों सालों से गुलामी के दौर में संस्कृत को समाप्त करने की हर पल कोशिश लोगों ने की, संस्कृत मृतप्राय भी हो गई, तो संस्कृत को उनके पुनरुत्थान के लिए हमने फिल्म बनाई है अहम ब्रह्मास्मि। सर, ये मूवी काफ़ी डिफरेंट है बॉलीवुड के नॉर्मल मूवीज से, तो ऐसी मूवी क्यों चुनी आपने, संस्कृत में बनाई? पूरे विश्व के लिए अनोखी फिल्म है। संस्कृत सारी भाषाओं की जननी है। देवनागरी लिपि है, उसमें से हिंदी निकला, उसमें से मराठी निकला, प्लस सैकड़ों भाषाओं को उन्हें जन्म दिया। वो आज मृतप्राय है, उस पर कोई काम नहीं करता, उस पर कोई फिल्म नहीं बनाता, उसको जन साधारण में उसको कोई लाने की कोशिश नहीं करता। तो हमने एक फिल्म के माध्यम से, फिल्म एक बढ़िया जरिया है, अच्छा जरिया है लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए। मैं चाहता हूँ संस्कृत का प्रचार हो, उसका विकास हो, लोग उसको समझे। बहुत अच्छी और सरल और आसान भाषा है, मैं बताऊँगा अभी, अब तो मैं लॉन्च करने वाला हूँ, अब देख के अच्छा लगेगा। सर, क्या आइडिया थी इसके पीछे, मतलब क्या इंस्पिरेशन मिला आपको कहानी? नहीं, भारतीय कहानी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि भारतीय सनातन, भारत का जो सनातन गौरव है वो दुनिया कोने कोने में आना चाहिए। आज विश्वगुरु बनने की दिशा में देश आगे बढ़ रहा है, पहले भी हम लोग थे। तो हम लोग अपनी पुरातन काल की चीज़ों को नहीं पकड़ेंगे, उसको लेकर साथ में चलेंगे नहीं, हम कौन क्या अपनी मूल जड़ों को टच नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे। तो संस्कृत से बेहतर कोई माध्यम नहीं है जो हम उसको लेकर कहीं जा सकें। सर, आजकल का जो यूथ है उसको मतलब इस चीज़ की इतनी नॉलेज नहीं है संस्कृत की और भारतीय संस्कृति की, तो उस उनके लिए क्या मैसेज होगा और मतलब इस फिल्म के दौरान क्या मैसेज दिया जाएगा? देखिए, संस्कृत धरोहर है। हर जैसे हम लोग सोचते हैं कि माँ बाप की विरासत में प्रॉपर्टी मिल जाए, सोना चांदी हीरे मोती गाड़ी घोड़े घर बंगला लेना चाहते हैं, तो अपने मूल को भी लेना होगा। आपको मूल है संस्कृत, मूल है सनातनता, मूल है राष्ट्रवाद, वो आपको लेके चलना होगा। अगर हम लोग आर्थिक रूप से पुराने चीज़ों की कीमत करते हैं तो आपको अपने मूल में जाना होगा, जिसकी वजह से भारत बना, आर्यावर्त बना, जमीन का निर्माण हुआ। तो उस विचार को लेने के लिए, सबको जोड़ने के लिए, अपने मूल जड़ों को तब के बारे में बताने के लिए मैंने फिल्म का निर्माण किया अहम ब्रह्मास्मि में। सर, राष्ट्रपुत्र की बात करें तो वो केंद्र में हुआ है, दिखाया गया है और इतना सक्सेसफुल है, उसके बारे में कैसे क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेचुलेशन। थैंक यू, धन्यवाद। राष्ट्रपुत्र की बुनियाद में सबसे महत्वपूर्ण बात यह रहा कि आज़ादी के यज्ञ में, आज़ादी के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले क्रांतिकारियों को वो सम्मान नहीं मिला, वो स्थान नहीं मिला जिसके हकदार थे। वो बुनियाद रही कि हम लोग फिल्म राष्ट्रपुत्रा के बहाने चर्चे आज़ाद की व्यक्तित्व, तो उनके विचारों को दुनिया तक कोने को पहुँचाएँ। वो आज भी सार्थक है। आज भी हर व्यक्ति को चर्चे आज़ाद जैसे व्यक्तित्व की जरूरत है, विचारों की जरूरत है, जो अपनी जान को परवाह न करते हुए देश की डेवलपमेंट की बात करता है, चाहे गुलामी से आज़ादी कराना हो। आज भी कई समस्याएं हैं, उन समस्याओं को चर्चे आज़ाद जैसे विचार कर रखने वाले लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, जो समस्या का समाधान कर सकते हैं, समस्या खत्म कर सकते हैं। सर, जैसे हम बात करें तो फिल्म ऐसी एक मीडियम है जहाँ पे हम कई सारे टॉपिक पे बात कर सकते हैं, चाहे वो हमारी हिस्टोरी की क्यों ना हो, हमारी संस्कृति की बात क्यों ना हो। आप जिस टॉपिक का अगर हम बात करें तो यही सारे टॉपिक ही क्यों हम देख रहे हैं कि आगे और क्या चीज़ें देखने को मिलेगा? देखिए, फिलहाल तो मैं राष्ट्रवाद लेके चल रहा हूँ, क्या जैसे मैंने कहा कि सनातन गौरव, तो विषय तो एक ही रहता है। हर आदमी को अपने परिवार, समाज, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित रहना होगा, चाहे किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी उम्र का हो। राष्ट्र प्रथम, व्यक्ति द्वितीयम, ये विचार सबको रखना होगा। राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं, राष्ट्र है तो हमें, उसी विचार के आसपास मैं हूँ, उसी के हिसाब से राष्ट्रपति ने निर्माण किया अब अहम ब्रह्मास्मि का भी। सर, ऑल्सो फिल्म में एंटरटेनमेंट कितना होगा, क्योंकि जो यूथ देखने आएगा उनको मतलब एंटरटेनमेंट के थ्रू अगर कोई मैसेज मिलता है तो वो देखना पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग थिएटर में जाना पसंद करते हैं, तो इस फिल्म में एंटरटेनमेंट फैक्टर कितना होगा? देखिए, अपने माँ से बात करते हैं, सोचते उसमें एंटरटेनमेंट है नहीं ना। तो संस्कृत सारी भाषाओं की जननी है, जिस तरह की माँ हमारी ध्यान रखती है, संस्कृत ने हमको निर्माण किया, डेवलप किया। वेद हो, उपनिषद हो, पुराण हो, सब संस्कृत में लिखे गए हैं। तो उसमें अगर एंटरटेनमेंट शब्द का इस्तेमाल करेंगे फिर वो चीज़ के बारे में, फिर भी मैंने वो चीज़ रखी है, अभी आप देखोगे एंटरटेनमेंट ध्यान रखा है, लेकिन मैं उससे यहाँ जरूर चाहता हूँ कि एक प्रेम का भाव जो अपने परिवार के प्रति होता है वो लोग संस्कृत के प्रति रखें, अपने देश के जान देने वालों के प्रति रखें, उन्हें अपने परिवार का, समाज का अपना हिस्सा माने, ये मेरा विचार है। सर, जिस तरह का प्यार जो है राष्ट्रपुत्रा को मिला है, उससे मतलब जो दूसरी फिल्म आप बना रहे हैं उसको लेकर कितना प्रेशर था आपके ऊपर कि उससे अच्छा करना है या फिर लोगों तक पहुँचनी चाहिए उसको लेकर? अगर देखिए, संस्कृत पे काम करना अपने आप में अनोखा काम है, यानी उसके बारे में सोचना भी, क्योंकि मैं अगर चाहता हूँ कि
मैं काम करूँ, साथ के लोग भी उसमें इन्वॉल्व होने चाहिए। तो मुझे अच्छी टीम मिली, बॉम्बेडो के साथ मिला, सारे लोग अच्छे मिले, मेरी चीज़ों कर मेरी बातों को समझ के वो लोग साथ में इन्वॉल्व हुए और मुझे करना चाहता था आँख बंद के मेरे बोलने पे मेरे रास्ते पे चले। इसका नतीजा कि हम ब्रह्मास्त्र जैसे एक महान मतलब कहता हूँ कालजी फिल्म है, आप देखेंगे आने वाले कल उस वक्त बताएगा, एक फिल्म बना दी है जिस जो पूरे देश को दुनिया को जोड़ने की ताकत रखता है। तो सर ये कितना चैलेंजिंग है आपके लिए, मतलब लोगों को इस फिल्म से अटैच करना? देखेंगे, बता दो, माँ माँ की तरह है, माँ किसी भी हालत में मेरे लिए प्रेम करते हैं और संस्कृत वही भाषा है। संस्कृत सारी जैसे मैंने पहले कहा सारी भाषाओं की जननी है, देवनागरी लिपि है, हिंदी मराठी उसी में जन्म लिया और संस्कृत दम तोड़ रही है और बाकी भाषाएं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो व्यक्तिगत तौर पर सब सबको जोड़ने वाली जो मूल भाषा संस्कृत है, हजारों साल से आदिकाल की भाषा है, देव भाषा है, देवों की भाषा है और उसको लेके चलते हैं तो कितनी चीज़ें उसे मिलती है। जैसे कई शास्त्र संस्कृत में है, संस्कृत में जो मूल संस्कृत है उसे रूपांतरण करते हैं तो कई चीज़ भाव बदल जाते हैं। जैसे हम ट्रांसलेट करते हैं कोई शब्द को तो फ्रेंच जर्मन का हो सकता है कि जो मूल जिसने लिखा उसके बदले कोई और भाषा सुने हम लोग हिंदी में या मराठी में या किसी और भाषा के अंदर। तो संस्कृत अगर मूल हम समझेंगे तो संस्कृत से बहुत कुछ हम जान सकते हैं। आज ज्योतिष के लोग बात करते हैं, भविष्य की बात करते हैं, तो अगर हमने पुराने काल में जाएंगे तो कई चीज़ों की समस्याओं का समाधान है संस्कृत के अंदर। सर फिल्म में म्यूजिक किस तरह का होगा? अच्छा है, बढ़िया, लॉन्च करने वाला, देखना, अच्छा काम दिया हमने। लेकिन बहुत सारे मतलब अभी जो है गाने रिक्रिएट किए जा रहे हैं और सारे डांसिंग नंबर्स आ रहे हैं, तो इसमें कितना अलग म्यूजिक होगा क्योंकि जो गाने होते हैं वही फिल्म को रिप्रेजेंट करते हैं ऑडियंस के सामने, तो अगर आप कुछ थोड़ा देखिए मूल भावना जो है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। मूल भावना हमने सनातनता का रखा है, राष्ट्रवाद का रखा है, शब्दों का रखा है, अभी आप देखोगे सुन के अच्छा लगेगा। मतलब सारे सिचुएशनल सॉन्ग्स, हाँ हाँ, मतलब जैसे जैसे जरूरत पड़ने चाहता हूँ कि एक सरल भाषा में संस्कृत, जैसे रामदेव बाबा के पहले संस्कृत जब भी लोग योगा की बात करते थे टांग उठा के यहाँ डाल लिया, ये उठा के वहाँ रख लिया, नहीं इतना हार्ड दिखाते थे जो करना चाहे नहीं करते, तो उन्होंने कितना सरल कर दिया योगा को, घर घर पहुँचा दिया। तो मैं चाहता हूँ संस्कृत भी घर घर पहुँचे, लोग कोशिश करें, मुश्किल जरा भी नहीं, अब मैं साबित करूँगा आने वाले कुछ दिन में चंद्र फंक्शन होगा तो बहुत आसान भाषा है। फिल्म को ये जुलाई के पहले हफ्ते में। थैंक यू सो मच, थैंक यू।